होंगे, मैंने आपको नमाज का टाइम भी भेज दिया था, ठीक है। और मैथ्स का आज का जो लेक्चर है, देखिए मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसको जरा आपको मालूम है, हर हर लेक्चर में पहले पिछली बात को रिव्यू करते हैं। वालेकुम सलाम बेटा, क्या पढ़ाया जा रहा है? ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ाया जा रहा है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है? ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। ओके, अब ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हमने ग्राफ पढ़ा ऑफ लीनियर फंक्शन, फिर हमने पढ़ा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, अभी हम क्या पढ़े थे? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता उसकी तो आपको समझ होगी कि सर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर उसका जो जहां तक उसके जो ग्राफ का ताल्लुक है, उसके जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, उसके ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? उसके ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? विच इज अ सिमेट्रिकल कर्व, विच इज अ सिमेट्रिकल कर्व। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ सिमेट्रिकल कर्व एंड दैट सिमेट्रिकल कर्व इज नोन एज पैराबोला। जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, इसी तरह उसका जो ग्राफ है उसके ग्राफ को आप क्या क्या कह सकते हैं? देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, क्या लफ्ज? दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए एक लफ्ज क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इस्तेमाल हो सकता है तो इसका जो ग्राफ है, इस ग्राफ व्हाट इज इट, इस ग्राफ इज अ पैराबोला, ठीक है, जिसके लिए एक लफ्ज होता है सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन। व्हाट? अ सिमेट्रिकल कर्व, ये असिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन, ठीक है। ये सारी जो बात है ये आपका एक बुनियादी नॉलेज है जो आपको आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे खासे तरीके से समझ आ गई होंगी, क्योंकि ओ लेवल्स में ही पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ओ लेवल्स में भी पढ़ाया जाता है। ओ लेवल्स में तो उसकी प्रॉपर ड्रॉइंग कराई जाती है। ओ लेवल्स में क्या कराया जाता है बच्चों? ओ लेवल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेबल बनाकर, उसके पॉइंट्स बनाकर, उसके पॉइंट्स प्लॉट कराकर क्या किया जाता है, एक प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो यहाँ ए लेवल्स का नॉलेज है, इस ए लेवल्स में हम ग्राफ को ड्रॉ नहीं करते, हम ए लेवल्स में ग्राफ को स्केच करते हैं। और स्केच के लिए, उस ग्राफ को स्केच करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास यू नो देयर मस्ट बी, वी मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला, है जी, कैरेक्टर्स ऑफ पैराबोला। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स, सिंपल है, कैरेक्टर्स ऑफ पैराबोला, शॉर्ट वर्ड, ठीक है। हाँ जी, उस पैराबोला के जहां तक कैरेक्टर्स का ताल्लुक है, पैराबोला के जहां तक कैरेक्टर्स का ताल्लुक है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं जो हमने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ा दिए हैं, प्लीज बताइए, रिव्यू कराइए। सबसे पहले हमने पढ़ा है शेप ऑफ द पैराबोला, शेप ऑफ द पैराबोला, ठीक हो गया। फिर नंबर टू, नंबर टू पे क्या पढ़ाया गया? नंबर टू पे आपको शेप के बाद पढ़ाया गया है उसका क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है जी, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द पैराबोला। फिर पढ़ाया गया है एक्स इंटरसेप्ट, नॉट जस्ट द इंटरसेप्ट बट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द पैराबोला, ठीक हो गया, ठीक हो गया। देन एक्स इंटरसेप्ट के बाद चौथे नंबर पे प्लीज बताइएगा मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक्स इंटरसेप्ट के बाद प्लीज बताइए क्या पढ़ाया? आई थिंक टर्निंग पॉइंट पढ़ाया होगा, टर्निंग पॉइंट, या उस टर्निंग पॉइंट के लिए लफ्ज क्या होता है, वर्टेक्स, टर्निंग पॉइंट या फिर
टर्निंग पॉइंट, वी बेटर कॉल इट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. ओके हो गया बच्चों. चौथे नंबर पे टर्निंग पॉइंट पढ़ाया गया होगा. टर्निंग पॉइंट के बाद प्लीज बताइए पांचवें नंबर पे आपको क्या पढ़ाया गया. लाइन ऑफ सिमेट्री. और उस लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन इक्वेशन ऑफ बल्कि एक ही बात है, लाइन ऑफ सिमेट्री जब पता चल जाएगी तो उसकी इक्वेशन पता चलेगी. लाइन एंड इक्वेशन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इट्स इक्वेशन, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इट्स इक्वेशन, ये पढ़ाया गया. फिर छठे नंबर पे क्या पढ़ाया गया, डोमेन एंड रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन. डोमेन एंड रेंज ऑफ द पैराबोला, डोमेन एंड रेंज ऑफ द पैराबोला. ठीक है, आई थिंक डोमेन और रेंज के बाद मैंने ये बात जो है वो कवर खत्म कर ली थी. ठीक हो गया, ठीक हो गया. इससे पहले कि मैं बात अब अगली एप्लीकेशन तक जाऊं, मैं इन छह, सर यू सेड यू वुड बी रियर क्वेश्चंस अबाउट, ओके 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 ओके, देखिए सुनिए मेरी बात. इन छह कैरेक्टर्स में किसी को कोई परेशानी है बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन छह कैरेक्टर्स ऑफ द पैराबोला हैं, जिनको देखकर आप बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्केच ड्रॉ कर सकते हैं. आप जिसको देखकर अगर आपको ये छह चीजें पता चल जाए तो आप बहुत ही परफेक्ट किस्म का स्केच कर सकते हैं. ठीक है, शेप का जो ताल्लुक है, देखें शेप का ताल्लुक क्या है, शेप क्या होती है, शेप में दो लफ्ज पढ़ाए थे मैंने आपको, कौन कौन से, कप या फिर कप और कैप. ठीक है, शेप में मैंने आपको क्या लिखाया था बेटा, कप और कैप. और इसका ताल्लुक किसके साथ है सर? इसका ताल्लुक है कोफिशियंट ऑफ, किसके साथ, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ. ठीक है, कप या जो कैप है उसका ताल्लुक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इस ए के साथ. ठीक हो गया, ठीक है. ये ए डिसाइड करता है कि वो कप होगा कि कैप होगा. अगर ये ए पॉजिटिव हुआ तो कप होगा, अगर ये ए, ए क्या होता है, ए या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है. ठीक है, तो अब ये ए का पॉजिटिव होना या ए का नेगेटिव होना क्या डिसाइड करता है, ये उसका कप होना या कैप होना डिसाइड करता है. ठीक है, ओके. देन देयर इज दिस वाई इंटरसेप्ट ऑफ द पैराबोला. वाई इंटरसेप्ट के लिए बेसिकली तो एक्स की वैल्यू जीरो करनी चाहिए, लेकिन जब हम एक्स की वैल्यू जीरो करते हैं, एक्स की वैल्यू को जब हम जीरो पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का जवाब क्या आता है, सी है जी, क्या जवाब आता है, एफ ऑफ एक्स का जवाब आता है सी. तो ये जो चीज है स्टैंडर्ड फॉर्म का जो सी होता है, इसने डिसाइड करना है कि उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है. ठीक है जी, जब एक्स जीरो होता है तो वाई की वैल्यू जो है वो सी होती है. और ये कौन सा सी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का सी ही होता है. अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको वाई इज़ इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ता है. जब आप y इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस पूरी इक्वेशन को जब आप जीरो कर देते हैं तो फिर यहां से आगे, सर ये सारा तो हाँ लिखा हुआ है बेटा, जस्ट रिव्यू करा रहा हूँ. ठीक है, इस इक्वेशन को आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को या तो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं या फिर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व बाय या तो फैक्टराइजेशन या फिर और बाय कैलकुलेटर. ठीक है, तो आपको एक्स वन और एक्स टू पता चल जाता है. ठीक है, इसी तरह जहां तक टर्निंग पॉइंट का ताल्लुक है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, उसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं. वो मिनिमा भी हो सकता है और वो मैक्सिमा भी हो सकता है. वो मिनिमा होगा या वो मैक्सिमा होगा, वो तो आपको ये क-
कप या कैप बता देगा। इतनी बात तो कप या कैप से पता चल जाएगी, लेकिन लेकिन इस मिनिमा या मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या है सर जी? उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जाना पड़ेगा। जब उसका आप स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप मिनिमा या मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स इस वाली ब्रैकेट को जीरो करें तो माइनस बी आएगा, और ये जो अकेला लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख दें। ये आपके पास मिनिमा या मैक्सिमा के क्या होंगे? ये आपके पास मिनिमा या मैक्सिमा के क्या हो जाएंगे भाई? मिनिमा या मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इन कोऑर्डिनेट्स में से जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक वर्टिकल लाइन होती है, और उसकी इक्वेशन क्या होती है? जो ये वाला है, ये जो ये वाला बी है, ये जो ये वाला माइनस बी है, इसी से आपको क्या पता चलेगा? इसी को आप एक्स इज इक्वल टू माइनस बी जो है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि यही उसका मिनिमा या मैक्सिमा का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो यहीं पे वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो वही वर्टिकल लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, या उसी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन होगी। फिर डोमेन और रेंज, डोमेन में तो हमें कोई मसला नहीं है, जो मर्जी है वैल्यू पुट कर दें, डोमेन में हमें कोई मसला नहीं, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। हाँ, जहां तक ताल्लुक है रेंज का, रेंज या तो ग्रेटर देन इक्वल टू कौन, एक सेकेंड रुकिए, ये जो आपने मिनिमा मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, इस मिनिमा मैक्सिमा या वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपको इक्वेशन ऑफ सिमेट्री बताएगा, और उसका जो ये वाई कोऑर्डिनेट है वो आपको रेंज में हेल्प करेगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या फिर वाई इज लेसर देन इक्वल टू सी, वाई इज लेसर देन इक्वल टू सी। जी तो बच्चों, इन छह बातों में, इन छह कॉन्सेप्ट्स में अगर किसी को, मैंने बहुत टाइम लगा दिया, आप देख सकते हैं पूरा हफ्ता लग गया हमारे इस बात के ऊपर, एक हफ्ते से ज्यादा होने वाला है, एक हफ्ता ऑलमोस्ट होने वाला है इस कॉन्सेप्ट को कैरी करते हुए, ठीक है। लेकिन मैं इसको इतनी ज्यादा डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मुझे मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे भी क्या चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों से भी यही चाहता हूँ कि आप इसको बहुत ज्यादा वैल्यू करें, इन तमाम बातों को बहुत ज्यादा अपने दिल और दिमाग में रखें, ठीक है। ओके, अब एक काम करेंगे, इससे पहले कि मैं, जरा मुझे प्लीज बताइए सातवां कैरेक्टर लिखा हुआ क्या है? आपने कहीं ना कहीं वो एक पूरी लिस्ट बनाई होगी, सात मतलब 10 कैरेक्टर्स थे मेरे ख्याल से, इससे अगला क्या कैरेक्टर लिखा हुआ है, ताकि मैं सोच लूं कि मुझे वो वाला कैरेक्टर पढ़ाने की जरूरत है या स्ट्रेट अप हमें स्केच करने की जरूरत है। जी प्लीज, सेवेंथ वॉज द रेंज एक्चुअली, ओके रेंज सेवेंथ भी हो गया, सेवेंथ भी हो गया, तो फिर आठवां बताइए। अगर सेवेंथ पे रेंज था तो आठवां कैरेक्टर क्या था वो बताइए। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी लाइन विद पैराबोला, वो नहीं पढ़ाना मैंने भी, ठीक हो गया। सो वो भी नहीं, ग्रेडिएंट भी नहीं पढ़ाना, ग्रेडिएंट भी नहीं पढ़ाना। ओके, इन तमाम कैरेक्टर्स को दिमाग में रखते हुए, इन तमाम कैरेक्टर्स को दिमाग में रखते हुए मैं समझता हूं आज का हमारा टॉपिक है स्केच, व्हाट, स्केच द ग्राफ्स, ऑफ द फॉलोइंग स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ओके, अब उनका स्केच बनाने के लिए कौन कौन से ग्राफ्स है जी? क्वेश्चन नंबर वन, हियर यू गो, नंबर वन में लिखता हूं, सुनते जाइए जरा। सबसे पहले है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी बच्चों, इसका ग्राफ तो मैंने उस दिन भी ड्रॉ करवाया था, इसका ग्राफ तो मैंने उस दिन भी ड्रॉ करवाया था, ठीक है जी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या ग्राफ ड्रॉ करूं? आई थिंक ये लीजिए एक्स, ये लीजिए वाई, और ये सबसे बेसिक तरीन ग्राफ है,
जो इधर से गुजरता है क्या करता है जी? जी इसको बिल्कुल सिमेट, देखें देखें मेरी बात बताएं। सबसे पहले जी, सबसे पहले देखिए मैंने इसको क्या किया है, एक सेकंड मैं कहता हूँ जी, मुझे ग्राफ भी नहीं बनाया। इसका जो ए है वो क्या है, इस इक्वेशन को देख के बताइए, इसका जो कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर का वो क्या है? पॉजिटिव है ना, इसका कॉफिशियंट पॉजिटिव है ना। अगर वो कॉफिशियंट पॉजिटिव है तो क्या बनाऊ? सबसे पहले चीज सर जी कप बनाए, ओके। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा सर? जीरो पे वाई, वाई को जीरो पे टच करना चाहिए, अच्छा क्योंकि इसका सी जीरो है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होंगे सर? वो भी इसको इक्वल टू जीरो करें तो एक्स की उसका जवाब भी जीरो आएगा। इसका मिनिमा और मैक्सिमा क्या होगा? इसका वर्टेक्स कौन होगा सर जी? वो ओरिजिन होगा। क्यों? इट इज एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, तो लिखा हुआ ही नहीं है। ये कोफिशिएंट पॉजिटिव तो कप, इधर जीरो लिखा हुआ है तो वाई इंटरसेप्ट जीरो। इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो को सॉल्व करोगे तो एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो, ठीक है। उसका वर्टेक्स, इसको इसका स्क्वायर कंप्लीट करोगे, वहां से भी ओरिजिन जीरो ही आएगा, जीरो कॉमा जीरो ही आ रहा है। तो जब सब कुछ जीरो चल रहा है, ठीक है, और क्या चाहिए? इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, ओके। व्हाट अबाउट रेंज? वर्टेक्स जब ओरिजिन है तो रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जी ऐसी ऐसा कुछ है जो रह गया हो? ऐसा कुछ है जो रह गया हो? लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी क्या होगी? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या होगी? वो होगी सर क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या बना भाईजान? फिर यही बना ना। जी किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? वैसे तो मैंने उस दिन भी स्केच विदाउट इन प्रॉपर्टीज के कह दिया था, क्या इसका ग्राफ तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई सवाल है बच्चों? इसको देखकर कोई सवाल है आपके पास? नहीं, श्योर, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे नंबर टू पे जाना है। y is equals to 2x square के बारे में क्या ख्याल है? ये तो आपने बनाया y is equals to x square का ग्राफ, ओके। y is equals to 2x square का स्केच कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहली बात, ये कप होगा कि कैप होगा? x square का कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो प्लीज सबके सब जवाब दीजिए, कप होगा कि कैप होगा सर जी? कप बनाएंगे, ओके। इसमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ सी है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ सी है? जो सब जवाब दिया करो प्लीज। नो तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है? इसका वाई इंटरसेप्ट भी जीरो है, ओके। इसके एक्स इंटरसेप्ट के बारे में क्या ख्याल है? इस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ओवर टू, वो भी जीरो, तो उसको भी सॉल्व करोगे तो आई बिलीव एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो आएंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो आएंगे। इसका वर्टेक्स मुझे तो लगता है वो भी, इसमें भी कोई वो x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी तो है ही नहीं, x के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका भी वर्टेक्स भी आई थिंक ओरिजिन ही होगा, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसकी जो इक्वेजन है ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री वो भी क्या है? वो भी है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यार आपको नहीं लगता, आप नहीं लगता कि ये जो y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ भी यही है और y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ का स्केच भी यही है? एक वजह ने कहा सर बट द कप विल बी लेस ओपनड। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? या तो ना x स्क्वायर के ऊपर ही, अगर तो x स्क्वायर के ऊपर ही 2x स्क्वायर स्केच करना हो, x स्क्वायर के ऊपर ही अगर आपने 2x स्क्वायर स्केच करना हो तो फिर तो शायद हो जाए, ठीक है। व्हाट देन, व्हाट डिफरेंस डज टू मेक? इस वक्त हम वो डिफरेंस नहीं नहीं परसीव कर सकते,
स्केच में वो डिफरेंस नहीं गिना जा सकता, स्केच में अभी मैं आपको वो डिफरेंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता, थोड़ा सा फर्क जरूर है, थोड़ा सा फर्क जरूर है, ठीक है, लेकिन अभी मैं उसका फर्क आपको नहीं समझा सकता। मुझे लगता है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऐसा ही होगा, है जी। अब उसमें a जो है, अब आपको क्या क्या पता कि कितना ओपन करना है कितना ओपन नहीं करना, हमको आप कौन सा एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जी जी। तो बच्चों एक बच्चे ने कहा सर देन व्हाट डज दिस टू मेक्स अ डिफरेंस, इस टू से क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कोई डिफरेंस आएगा सही, एग्जैक्ट ड्रॉइंग में तो डिफरेंस है, एग्जैक्ट ड्रॉइंग में तो डिफरेंस है, स्केच में कोई डिफरेंस नहीं है। There is no difference in the sketch. Sketch उधर भी parabola, इसका भी parabola, वो भी cup, ये भी cup, वो भी origins, उसका minima है, इसका origin minima है, उसमें भी the line will be steeper on both sides. बेटा आप क्या कुछ सही रहे हो, लेकिन मैं sketch कर रहा हूं ना, तो sketch तो sketch होता है, sketch में तो ये नहीं देखना कि it is whether it is less opening or more opening. Sketch में तो बस मैं यूं करके फेर जाता हूं, sketch में तो मैं बस यूं करके फेर रहा हूं। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि आप एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं कर रहे, आप सादे एक्स स्क्वायर का ग्राफ, टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, थ्री एक्स स्क्वायर का ग्राफ, फाइव एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जो भी ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ऐसे ही स्केच करेंगे। सवाल की हेडिंग देखो क्या लिखी, देखा जी स्केच क्या लिखा, स्केच द ग्राफ्स। तो मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि बेटे देखो y इक्वल टू x स्क्वायर का स्केच, कि जो y इक्वल टू x स्क्वायर के कैरेक्टर्स हैं कप, 2x स्क्वायर ये भी कप, इसका y इंटरसेप्ट देयर इज नो c, जीरो, इसमें भी कोई c नहीं है, x स्क्वायर प्लस एंड वाला c नहीं है ना, इधर भी एंड वाला c नहीं है, ठीक है, तो जब नहीं है तो वो जीरो होगा, इसका भी y इंटरसेप्ट जीरो, उसका भी y इंटरसेप्ट जीरो, इसके x इंटरसेप्ट के लिए x square इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 0 ही आएगा, इधर भी 2x square इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी, तो इसके x इंटरसेप्ट दोनों तरफ 0, ठीक है। मिनिमा और मैक्सिमा के लिए जब आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो इट इज x प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो वो 0 का मतलब 0 हो गया ना, इधर भी 2 बाय रखो अंदर सर जी, x प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो इसका इसका जो मिनिमम मैक्सिमा है वो भी ओरिजिन हो गया, उसका भी मिनिमम मैक्सिमा ओरिजिन हो गया, तो इन दोनों का क्या कहते हैं इसको, वर्टेक्स भी सेम हो गया, डोमेन तो वैसे ही ऑल रियल नंबर्स होती है, रेंज इसकी भी रेंज क्या होगी सर, मिनिमा 0 है तो 0 से ऊपर जाएगा, इसकी भी रेंज मिनिमा 0 है तो 0 से ऊपर जाएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जब 6 के 6 कैरेक्टर सेम है, जब 6 के 6 कैरेक्टर सेम है तो इस जनरल स्केच के बारे में क्या ख्याल है आपका, सेम ख्याल नहीं होना चाहिए क्या, बोथ दीज इक्वेशंस विल हैव द सेम स्केच। अब कौन ज्यादा स्टीपर होगा, कौन कम स्टीपर होगा, कौन ओपनिंग ज्यादा होगी, किसकी ओपनिंग कम होगी, ये मैंने अभी नहीं सिखाना, ये मैंने अभी नहीं सिखाना, टॉपिक जरूर है, सिखाना जरूर है, लेकिन अभी नहीं सिखाना है इसको मैंने, ठीक है ठीक है। अभी बस जो सिखाना था वो ये है कि जनरल स्केच ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर सेम, ओके ओके। हाँ अब ये जरूर है, ये जरूर है कि अगर y इज इक्वल टू क्या कहते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो फिर डिफरेंट होता, फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता, फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता, कैसे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नंबर 3, आई होप ए एक्स स्क्वायर की समझ आ गई सबको, उम्मीद करता हूं कि ए एक्स स्क्वायर की समझ आ गई। इफ ए इज नेगेटिव देन इट विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स। एक काम करो, यहां पर हल्का सा एक स्केच बना देता हूं,
इफ व्हाट दिस विल बी द ग्राफ इफ क्या इफ ए इज नेगेटिव फॉर एग्जांपल क्या जी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर या y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वेयर या y इज इक्वल टू यू नो गेटिंग दिस अगर स्केच एग्जैक्टली वही होता थोड़ा सा ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो जाता अगर a नेगेटिव होता यहां पर a इज पॉजिटिव a नेगेटिव होता तो मैं नीचे की तरफ ग्राफ बनाता लो जी एनी क्वेश्चंस प्लीज नो ओके आगे चलो नेक्स्ट अब मैंने आपको समझाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का ग्राफ समझाना ठीक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का ग्राफ समझाना है ठीक है अच्छा मुझे एक बात बताएं इसके बारे में क्या ख्याल है ये भी कप होगा ना या नहीं हाँ सर ये भी कप ही होगा इसके y इंटरसेप्ट के बारे में क्या ख्याल है सर जी वो वन होगा ओके इसके x इंटरसेप्ट के बारे में क्या ख्याल है उसके लिए क्या करना होगा सर उसके लिए एक्स स्क्वेयर प्लस वन को इक्वल टू जीरो करना होगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन होगा फिर ये क्या है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन होगा जिसका मतलब क्या है जिसका मतलब है मैथ एरर का मतलब क्या है हैं अगर आप इस एक्स स्क्वेयर प्लस वन को इक्वल टू जीरो करते हो एक्स स्क्वेयर प्लस वन को इक्वल टू जीरो करते हो देखिए एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया हमने इस फंक्शन को एक्स स्क्वेयर प्लस वन को इक्वल टू जीरो किया जिससे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन जब आप पता चला इसको जल्दी से सॉल्व करिए जी अस्सलाम वालेकुम इनके ग्राफ्स को स्केच करने की कोशिश कीजिए एक ये है चौथे नंबर पे है y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इसको स्केच कीजिए पांचवें नंबर पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इसको करिए छठे नंबर पे y इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इसको करिए ठीक है सातवें नंबर पे एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन इसको करिए आठवें नंबर पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इसको करना है नौवें नंबर पे y इज इक्वल टू माइनस माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को करना है और दसवें नंबर पे सिंपल y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ये दस ग्राफ्स हैं ये दस इक्वेशंस हैं इनको जल्दी से स्केच कीजिए ठीक है इसके लिए मैं भी आपको दस मिनट का टाइम दूंगा ठीक है दस दस मिनट नहीं दस से हाँ दस मिनट का टाइम है भाई इनको स्केच करने के लिए दस मिनट का टाइम है ठीक है आप सब ने अपना अपने 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 दस ग्राफ्स स्केच करके मुझे व्हाट्सएप करने हैं ठीक है दस मिनट का टाइम है जनाब आपके पास ठीक है इनको जस्ट जनरल जस्ट स्केच करना है नोट्स वाली नीट कॉपी में नहीं आखिरी पेज पे कहीं जाइए आखिरी किसी पेज पे जाइए
और रफ पेज के ऊपर, बिल्कुल कॉपी के एंड पे कहीं जाइए, वहां पे जाके रफ पेज के ऊपर, ठीक है, इन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इनका आपने क्या करना है, इनका ग्राफ स्केच कीजिए, ठीक है, 10 मिनट है आपके पास, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने फिर इसकी तस्वीर खींचकर